अच्छा एक बात बताइए, राजनीति में गुजरते हुए एक आपका लंबा अनुभव हो चुका है, एक लंबा सफर आपने तय किया, आज आप विधायक हैं, कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ कि यार कहाँ फंस गया मैं, मुझे राजनीति में होना नहीं चाहिए था? मेरी पर्सनल आप बात करेंगे तो हम तो बहुत ही निचले परिवार से आते हैं, जहाँ पर आज के समय में राजनीति में पहुँचना बहुत मुश्किल है। विधायक पद में ग्लैमर होता है, लोग दरअसल राजनीति में लोगों का झुकाव इसलिए भी होता है कि बहुत ग्लैमर है, और आप देखते भी होंगे फिल्मों में अक्सर देखते होंगे कि विधायक जी का रौला है, विधायक जी बहुत रसूख वाले हैं, ताकतवर हैं। कभी आपको ग्लैमर दिखाने का या ताकत दिखाने का ऐसा कुछ लगा हो कि नहीं मुझे दिखाना चाहिए? हम बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत धन्यवाद आपको, आपने टाइम दिया है। 400 अब की बार 400 पार, कितना हकीकत कितना फसाना, कैसे इसको आप आगे लेके जा रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों पर विश्वास करती है हमेशा। आज देश में जब आप अन्य सरकारों से तुलना करेंगे तो पहली बार देश में कोई ऐसी सरकार आई जो गांव के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के बारे में भी सोचने का काम कर रही है। अभी जब हमारी पार्टी ने 195 लोगों का टिकट दिया था तो आपको उस टिकट वो सूची देखकर आपको ये एहसास हुआ होगा कि जिसमें पिछड़ा, दलित, महिला, व्यापारी, सारे तरह के लोगों को कैसे तरजीह दी गई है। और यही हमारे पार्टी की जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है, इसी नारे के साथ हमारी पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में इस बार हम 400 पार करने जा रहे हैं। पूरे देश में 400 से अधिक सीटें जीतकर फिर एक बार मोदी जी को हम देश की जनता प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। मतलब पक्का भरोसा है कि 400 का जो ये आंकड़ा सरकार ने दिया है, मोदी सरकार ने दिया है, भाजपा ने दिया है, वो कंप्लीट होगा और उसके बीच में कोई गतिरोध नहीं है? आप कहेंगे तो ये भी मोदी जी की ही गारंटी है जी। उनकी गारंटी के दम पर देश की जनता को पूरा विश्वास है कि हम जिस नेता के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, उस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया के शीर्ष पर जा रहा है, जहाँ देश भर में तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से गरीब लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, वहीं देश के मध्यम वर्ग चाहे अपर कास्ट अपर वर्ग के सभी लोगों को देश में एक नई सोच के तहत कि दुनिया में भारत का नाम कैसे रोशन हो। अभी मोदी जी ने आप देखे होंगे कि 2047 भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है और उस पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिनके दृढ़ संकल्पता से उत्तर प्रदेश में जो काम कभी नहीं हो पाए थे वो भी आज सफल हो रहे हैं। आपके सियासी सफर की चलते हुए हम लोग बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा, आपके सियासी सफर की बात करते हैं, विधायक तक का सफर किन गतिरोधों से भरा हुआ था आपका? देखिए हम तो जब मेरी पर्सनल बात करेंगे तो हम तो बहुत ही निचले परिवार से आते हैं, जहां पर आज के समय में राजनीति में पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। जब हम लोग छात्र जीवन के बाद सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, आज मुझे खुशी है कि जिन मुद्दों को लेकर हम लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, आज हमारी सरकार जिसमें मैं विधायक हूँ एक एक करके उन सभी समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं हम लोग। क्योंकि हम लोगों को याद है कि पूर्व की सरकारों में जब एक बार ट्रांसफार्मर जल जाते थे और हम लोग दर्जनों दिनों तक आंदोलन करते थे तब वो ट्रांसफार्मर लग पाते थे। सड़कों पर आंदोलन जिसके लिए हम लोगों को कठिन परिश्रम करना पड़ता था तब जाकर प्रशासन और सरकार का ध्यान उस पर जा पाता था। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, जब आप मेरे विधानसभा में जाएंगे, रामपुर कारखाना में जाएंगे, तो हम लोग सड़कों की जो जाल बिछा रहे हैं, हम अपने विधानसभा को एक मॉडल के रूप में जो बनाने जा रहे हैं, हम गरीब लोगों की कैसे मदद कर पा रहे हैं। जब कोई पहले गरीब आदमी बीमार हो जाता था, हम सबको याद है कि या तो लोगों को अपना खेत बंधक रखना पड़ता था या अपना गहना बेचना पड़ता था, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से सैकड़ों की तादाद में लोगों को धन मुहैया कराकर और उनके इलाज की व्यवस्था करा पा रहे हैं। परिस्थितियों से निकला हुआ इंसान समझता है कि गरीबों की दिक्कतें क्या है। हम लोग घर से निकलते थे और पूरे दिन क्षेत्र में लोगों के लिए काम करते थे, गाँव गाँव में जाते थे, और आज जिन कामों को लेकर हम लोग सड़कों पर लड़ रहे थे उसे धरातल पर ला रहे हैं तो बहुत ही खुशी हो रही है। जब पहली बार जब आपका टिकट अनाउंस हुआ तो एक बार भरोसा हुआ कि आपको पार्टी ने मौका दे दिया है? देखिए जब कार्यकर्ता काम करता है तो उसे एक उम्मीद होती है कि कभी पार्टी हमें भी मौका दे सकती है, लेकिन वास्तव में जब मेरे जैसे कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया
तो हजारों कार्यकर्ताओं में एक विश्वास जगा कि यदि सुरेंद्र चौरसिया जैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है तो किसी भी कार्यकर्ता के परिश्रम पर उसे टिकट मिल सकता है। और हम लोग तो छात्र जीवन में राजनीति करते रहे, फिर उसके बाद हम लोग सड़कों पर आंदोलन करते रहे। बाद में 10 में मैंने अपनी पत्नी को जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया, वो निर्वाचित हुई थी, और 22 में पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मेरे क्षेत्र की महान जनता ने 92,000 से अधिक वोट देकर मुझको विधानसभा में भेजा है। और शायद यही वजह है कि भाजपा के कार्यकर्ता पार्टी के प्रति बहुत ज्यादा दीवानगी के साथ काम करते हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं को मौका मिल जाता है। देश में पहली ऐसी पार्टी है जिसकी सोच दिल्ली के शिखर पर बैठकर भी गांव के अंतिम व्यक्ति पे रहती है। पहली ऐसी पार्टी है कि जिसमें नेता की सोच अपने कार्यकर्ता के प्रति होती है। हम लोग लंबे समय से इस बात को देख रहे हैं कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आज समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, आज बहुजन समाज पार्टी में आनंद जी उसका नेतृत्व करने जा रहे हैं, आज कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को देखिए, कोई भी नेतृत्व कर सकता है। कभी अटल जी नेतृत्व करते थे, आज मोदी जी कर रहे हैं, कल कोई और करेगा। ये भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है और वो खूबसूरती केवल भारतीय जनता पार्टी में है। सही बात है। अच्छा एक बात बताइए, राजनीति में गुजरते हुए एक आपका लंबा अनुभव हो चुका है, एक लंबा सफर आपने तय किया, आज आप विधायक हैं, कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ कि यार कहाँ फंस गया मैं, मुझे राजनीति में होना नहीं चाहिए था? नहीं, मेरी तो हमेशा से यही सोच रही कि मुझे नेता बनना है। okay. जब हम लोग पढ़ाई के समय में, हाई स्कूल के बाद जब हम लोग काम कर पढ़ रहे थे, तब से मेरा ये लक्ष्य रहा कि मुझको राजनीति में ही काम करना है, समाज के लिए काम करना है, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े लोगों की मदद करने के लिए राजनीति में काम करना है। और हम लोग इसी सोच के तहत सड़कों पर लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, और आज विधानसभा में पहुंचने के बाद भी हम लोगों की नज़र गांव के उन्हीं अंतिम व्यक्ति पे रहती है कि हमारे क्षेत्र का कोई पीड़ित व्यक्ति, कोई जरूरतमंद व्यक्ति जिसकी हम मदद कर पाए, तभी हमारे राजनीति में आने का असली मकसद पूरा हो पाएगा। और ये काम बखूबी भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले ही पूरा हो पा रहा है। विधायक पद में ग्लैमर होता है, लोग दरअसल राजनीति में लोगों का झुकाव इसलिए भी होता है कि बहुत ग्लैमर है, और आप देखते भी होंगे फिल्मों में अक्सर देखते होंगे कि विधायक जी का रौला है, विधायक जी बहुत रसूख वाले हैं, ताकतवर हैं। कभी आपको ग्लैमर दिखाने का या ताकत दिखाने का ऐसा कुछ लगा हो कि नहीं मुझे दिखाना चाहिए? हम लोग राजनीति में ग्लैमर के लिए नहीं आए थे, हम लोग राजनीति में जिस काम को करने आए थे वही काम आज कर रहे हैं। आज भी आप देखेंगे तो हम लोग के साथ ना कोई प्रोटोकॉल होता है, हम सवेरे डेली 4 घंटे जनता की बात सुनने के लिए अपने कार्यालय बैठते हैं, और हमारे यहाँ कोई बीच में मध्यस्थ व्यक्ति नहीं होता, सीधे जनता हमारे यहाँ आती है, एक एक कर हम उनके समस्याओं का जो समाधान त्वरित होने लायक रहता है, हम लोग अधिकारियों से कह के जैसे भी हो सके उनकी मदद कैसे होगी इस पर हम लोग हमेशा काम करते हैं। और राजनीति में जो लोग ग्लैमर के लिए आते हैं, अब वो समय समाप्त हो गया। कभी जमाना था कि लोग धनबली बाहुबली लोगों को पार्टियां टिकट देती थी, और आज आप देखिए, आज हर पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी की शुचिता की देन है, भारतीय जनता पार्टी की सोच का देन है कि आज उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियां अपराधियों को टिकट देने से बचने का काम कर रही हैं, माफियाओं को टिकट देने से बचने का काम कर रही है, धनबलियों को टिकट देने का काम नहीं कर रही है। ये शुचिता भारतीय जनता पार्टी की वजह से उत्तर प्रदेश और देश में आ रही है। उसी शुचिता का नतीजा है कि सुरेंद्र चौरसिया जैसा व्यक्ति रामपुर कारखाना से जीतकर और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर विधानसभा में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का काम कर रहा है। योगी जी बड़े सख्त हैं और उनकी सख्ती अक्सर अफसरों पे भी निकलती है, क्या विधायकों पे भी निकलती है, गुस्सा होते हैं? योगी जी एक ईमानदार और दमदार छवि के नेता हैं। योगी जी ने अपने राजनीतिक करियर में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जनता का हित हो सकता है, क्योंकि हम लोग योगी आदित्यनाथ जी के साथ 2005 से काम कर रहे हैं। जब हिंदू वाहिनी में संगठन में हम लोग काम करते करते आज विधायक बने हैं। योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद थे तब हम लोग उन्हें भारत की संसद का सुहाग कहते थे, और योगी जी हमेशा हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा समर्पण भाव से काम करते थे, और हम लोग उन्हीं के साथ काम करते थे तो हम लोगों को भी एक उनसे ऊर्जा मिलती थी। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का देन है कि जिस उत्तर प्रदेश में कभी अपराधियों का बोलबाला रहता था, दिन दहाड़े फिरौती छिनेती, गरीबों की जमीनें हड़पने का काम होता था, आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की दृढ़ संकल्पता का देन है कि आज उत्तर प्रदेश से कोई भी माफिया गुंडा आज सर उठाने को तैयार नहीं है। बुलडोजर बाबा उनको नाम ही मिल गया है।
जब भी कोई अत्याचार करता है तो योगी जी उसके खिलाफ सख्त से सख्त निर्णय लेने का काम करते हैं, वो चाहे अधिकारी हो, नेता हो। आज उनके राज्य में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति आप देखेंगे तो कोई गलत काम नहीं कर सकता। राजनीति ये डर है, यही तो सूचिता है राजनीति की। जी, राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त आपका पारिवारिक जीवन पे बात करते हैं, परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में 7-8 लोग हैं। हम लोग, हमारे माता पत्नी बच्चे भाई सब लोग घर पे ही हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। समय दे पाते हैं? क्योंकि भागदौड़ तो बहुत हो जाता होगा। राजनीति में रहने वाले व्यक्ति तो हमेशा उनका जीवन एक योगी की तरह होता है। उन्हें अपने घर से ज्यादा उनका जो परिवार है, जैसे मोदी जी आज कहते हैं कि पूरा भारत उनका परिवार है, वैसे ही राजनीति में काम करने वाले व्यक्ति के लिए पूरा क्षेत्र उनका परिवार होता है। और हम लोग अपने परिवार के साथ साथ जहाँ के 4 लाख लोगों ने एक जिम्मेदारी सौंपी है, वो सब लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो हम लोग अपने घर के साथ साथ उनकी भी देखभाल, उनके लिए भी हम लोग को देखना रहता है कि क्षेत्र में कहीं कोई बात हो गई, कहीं किसी की जरूरत है तो हमें वहाँ पहुँचना रहता है। उसी से इन्हीं सब बातों को ख्याल में रखते हुए अपने घर परिवार को समय देना होता है। सांप्रदायिकता का बहुत आरोप लगता है आपकी पार्टी पे। अक्सर विपक्ष ये कहता रहता है कि आप लोग हिंदू मुसलमान करके जीतते हैं, एक समाज में विद्वेष फैलाते हैं, इस पे क्या कहना है? देखिए, उत्तर प्रदेश में 7.5 साल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बने हो गए, 7.5 सालों में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए। ये योगी आदित्यनाथ जी के काम करने का तरीका है। राम मंदिर कि जब बात हो रही थी, पूरा देश कह रहा था कि जब राम मंदिर बनेगा चारों तरफ खून खराबा होगा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में एक जगह भी कोई एक अपराधी सर उठाने का काम नहीं किया। नहीं, मुझे सही बात है, ये बात तो मैं आपकी मान रहा हूँ, क्योंकि कई बार जब मैं छोटा था और जब राम मंदिर को लेकर कोई भी वर्डिक्ट आना होता था तो मुझे याद है कि कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। लेकिन अब मंदिर भी बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ऐसी माहौल आए ही नहीं। ये तो उनके प्रशासनिक क्षमता की है। उत्तर प्रदेश एक नया उत्तर प्रदेश आज है। जिस उत्तर प्रदेश में कोई भी उद्योगपति अपना उद्योग नहीं लगाना चाहता था, आज प्रदेश के हर जनपद में हजारों की तादाद में नए युवा उद्योगपति हो रहे हैं, नए उद्यमी यहाँ पे उद्योग लगाने का काम कर रहे हैं, जिससे लाखों नौजवानों को उत्तर प्रदेश में नया रोजगार मिलने जा रहा है। ये योगी आदित्यनाथ जी का काम करने का तरीका है और उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है। सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा औद्योगिक संस्थान लगने वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा रोजगार मिलने उत्तर प्रदेश में जा रहा है, सबसे ज्यादा शुचिता कहीं है तो उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा बहन बेटियों की सुरक्षा कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। पेपर लीक भी बहुत उत्तर प्रदेश में हो रहा है। देखिए, जितने भी इस तरह के घटना हो रहे हैं वे उनके दोषी एक एक करके जेल जा रहे हैं और सख्त से सख्त पूर्व की सरकारों को जब आप उठाकर देखेंगे तो पूरे विद्यालय के विद्यालय नकल कराते थे। आज हमारे घर का आपके घर का बच्चा पढ़ाई करके नंबर लाने का काम कर रहा है। जब नकल होते थे तो 70% नंबर लाना मुश्किल होता था, आज पढ़ के हमारे देश और प्रदेश के बच्चे 90% से अधिक अंक लाने का काम कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। किसानों को लेकर आपकी सरकार बहुत ही तैसी रहती है और किसान सम्मान निधि भी अक्सर दिया जाता है, लेकिन किसानों को लेकर ही आपके ही सरकार में एक नैरेटिव भी सेट हो चुका है कि किसानों की बात सुनी नहीं जा रही है। आप किसान आंदोलन 2.0 को देख लीजिए, अभी दिल्ली में किसान जमे हुए हैं और उनके मुद्दों पर आपकी सरकार सुन नहीं रही है, मोदी सरकार। और आपका 400 पार का नारा है, अब की बार 400 पार, कैसे हो गई? देखिए, पूरे देश का किसान मोदी जी के साथ है। जहां पर किसान के आय दुगुनी करने की बात है, उत्तर प्रदेश में अभी आप देखे होंगे नलकूप के बिजली कनेक्शन फ्री योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया। जो हमारी लागत खेतों में पानी चलाने में आती थी वो कम हो गए। कभी यूरिया के लिए लाठी खाना पड़ता था किसानों को, आज किसान घर बैठे जब चाहे तब यूरिया उसको मिल सकती है, जब चाहे तब उसको डीएपी मिल सकती है। इसलिए किसानों के प्रति हमारी सरकार पूर्ण रूप से समर्पित है और किसान अन्नदाता है देश का। कभी देश के लिए अनाज खरीदना पड़ता था, आज हमारी सरकार फ्री में भी अनाज बांट रही है, उसके बाद भी हमको अनाज की कमी नहीं हो पा रही है। यही मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश, किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, सब लोग मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी के विचारों के साथ खड़ा होकर और इस बार देश में 400 पार का जो नारा है उसे पूरा करने जा रहे हैं, उसे साकार करने जा रहे हैं। आपके अपने विधानसभा की बात करते हैं, आपने बताया पूर्व में कि आप सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, कुछ और अतिरिक्त योजनाएं जो आपका आगे भविष्य में प्लान है और आप करना चाहते हो? हम लोग अपने पूरे विधानसभा में जो जनता की समस्याएं हैं, क्योंकि हम लोग गांव गलियों से निकले हुए लोग हैं,
जो जनता सोचती है वो हम लोग उस पर काम करना चाहते हैं, और हम लोग एक एक करके लोगों के लिए, वो चाहे नौजवान हो, किसान हो, महिला हो, व्यापारी हो, सबके लिए काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जब हम दूसरी बार आपसे मिलेंगे तो एक एक चीज़ों को आपको मैं बताऊंगा कि मैंने अपने विधानसभा में क्या किया है। 2 सालों में मैंने जो काम किया है वो जनता को समर्पित है, जनता देख रही है। और जब आप कभी रामपुर कारखाना जाएंगे आपको ये महसूस होगा कि जनता का क्या अपने बेटे के प्रति, अपने नेता के प्रति रुझान है, लगाव है। अब मैं अक्सर सोशल मीडिया पे आपकी तस्वीरें देखता हूँ, बहुत आप देवरिया के जो जितने भी विधायक हैं, जितनी विधानसभा सीटें हैं, सलभ जी हो गए, विजय लक्ष्मी जी हो गई, शाही जी हो गए, आप लोगों की तस्वीरें साथ में आती हैं। तो क्या जब आप लोग मिलते हैं, बैठ के बात करते हैं, तो एक साझा तौर पे विकास की योजनाएं बनती हैं कि नहीं हमें पूरा जनपद को इतना खूबसूरत बना देना है या फिर क्या परिवर्तन लाना है? देखिए, हमारे जनपद में सभी विधायक, दोनों माननीय मंत्री जी, सभी सांसद जी लोग, सभी विधायक एक साथ मिलकर हम लोग सारी योजनाएं बनाते रहते हैं कि जनता को। कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ कोई योजना 2 विधानसभा के बीच में होती है, तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हम सब लोग मिलकर और जिले को कैसे आगे ले जाया जाए, जिले में कैसे विकास हो, जिले की सूरत कैसे बदली, इस पर सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और वास्तव में देवरिया आने वाले समय में एक जैसे उत्तर प्रदेश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, देवरिया भी उसी क्रम में उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मतलब एक तालमेल बिठा के काम पूरा करने पूरा की कोशिश हो रही है। हम सबका अपना अपना क्षेत्र है, हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, तो इसमें बिना तालमेल रहे काम हो ही नहीं सकता, इसलिए हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और मोदी जी की जो छवि है लोगों के अंदर, वास्तव में हम लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन में ही आज तक हम लोगों ने ऐसे किसी नेता को नहीं देखा जिसके प्रति लोगों का इस तरह का प्यार, इस तरह का अद्भुत संजोग। जब आप किसी गांव के महिला के पास जाएंगे तो मोदी को अपने बेटे की तरह मानती हैं। ये तभी कोई हो पाता है जब लोगों को जो जुड़ाव नेता का लोगों के दिलों में जगह हो। मोदी जी देश के हर लोगों के दिल में बसने वाले नेता हैं और हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में देश को एक नई जो ऊंचाई मिल रही है उससे अति प्रसन्नता होती है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आपकी पार्टी तो हरदम चुनाव मोड में रहती ही है, लेकिन कुछ विशेष निर्देश शीर्ष स्तर पे आए हैं कि कैसे आप लोगों को पार्टी का प्रचार आगे बढ़ाना है, क्योंकि 400 का लक्ष्य आसान नहीं है। देखिए सुरीप जी, हमारी पार्टी केवल चुनाव के समय नहीं काम करने वाली पार्टी है, हमारी पार्टी पूरे 365 दिन जनता के लिए काम करती है। हम लोग उसी पैटर्न पे काम करते हैं कि जनता केवल चुनाव के समय हम जब लोग जाते हैं तो जनता जवाब सवाल करती है, हम लोग पूरे 365 दिन काम करते हैं। और आने वाले समय में जो अभी लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, हमारी पार्टी में पार्टी जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी देती है उसका बखूबी निर्वहन करने का कार्यकर्ता काम करता है। हम लोग विधायक होने के नाते हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जिस विधानसभा से आते हैं वहाँ पार्टी का कैसे और वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को और संतुष्ट करके पार्टी की तरफ मूव कराया जाए, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। और पार्टी अन्य भी जगहों पे, जैसे मैं पूरे उत्तर प्रदेश में अपने समाज के अकेले विधायक हूँ तो बहुत सारे जगहों पर पार्टी और भी हमें उपयोग करना चाहेगी तो करेगी, तो समय परिस्थिति के अनुसार जहाँ पार्टी को लगेगा कि मेरी आवश्यकता है वहाँ हम लोग पार्टी के साथ काम करेंगे। मतलब बाकियों के लिए चुनाव है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक 24/7 365 दिन और उसके कार्यकर्ता नेता सब लगे हुए हो। बिल्कुल, हम लोग 365 दिन जनता के लिए काम करते हैं, कोई चुनाव हमारे लिए अवसर नहीं है। हम अपने कामों के बदौलत, हमारी पार्टी अपने कार्यों की बदौलत जनता के बीच में जाती है और यही कारण है कि आज देश की 2/3 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोकसभा और विधानसभा में पहुंच रहे हैं। बीते माह आप लोग सभी विधायकों ने और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने राम मंदिर के जाके दर्शन किया, रामलला का कैसा अनुभव रहा? बहुत ही अद्भुत। जो 550 सालों से जो प्रतीक्षा थी देश के हिंदू समाज को, सनातन धर्म के लोगों को, वो आज जो सपना महंत वेदनाथ जी जिस आंदोलन की शुरुआत किए थे, आज योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के सनातन धर्म के लोगों के सहयोग से जो राम मंदिर बन रहा है वो देश और दुनिया को एक नया संदेश है कि भारत हमेशा से दुनिया को एक संदेश देने वाला, आईना दिखाने वाला देश रहा है। और आज प्रभु श्री राम के माध्यम से हम सब लोग आज तभी
देश आगे बढ़ रहा है, जब प्रभु श्री राम का उनके उनके आशीर्वाद की वजह से, उनके जो एक तरह से कहा जाए तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद पूरे देश के ऊपर है। जब आप कभी अयोध्या जाएंगे अब, तो जो अयोध्या कभी जहां पर हमेशा कर्फ्यू की दृष्टि रहती थी, लेकिन आज उसी अयोध्या में चारों तरफ गूंज रही है, चारों तरफ लोगों को रोजगार मिल रहा है, चारों तरफ लोग हंसी खुशी से जा रहे हैं। आज लोग 3 लाख से 4 लाख 5 लाख लोग रोज रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं। इन 3-4-5 लाख लोग जहां भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं, वहीं वहां पर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। एक धार्मिक पर्यटन का केंद्र भी बन चुका है। बिल्कुल, पहले लोग दुनिया भर के लोग ताजमहल देखने आते थे, लेकिन आज दुनिया भर के लोग राम मंदिर देखने आ रहे हैं। गर्व हो रहा, इससे बड़ा गर्व की और कोई बात नहीं हो सकती। तो हमारे साथ रामपुर कारखाना के विधायक सुरेंद्र चौरसिया जी थे, तमाम मुद्दों पे बात हुई। आप देख रहे हैं द लोकतंत्र, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको, और जो देख रहे हैं हमारे देश के, हमारे क्षेत्र के, हमारे जिले के लोग, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम है।